लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल रात लखनऊ के हजरतगंज में 5 मंजिला इमारत गिरी थी, बड़ा हादसा हो गया था, कई लोग दब गए थे। जो अभी भी लखनऊ में इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी मलबे में दबे होने की लोगों की आशंका जताई जा रही है। वहीं सिविल अस्पताल में कुछ घायलों को भर्ती कराया गया है। वहीं सीधे हम रुख करते हैं सिविल हॉस्पिटल से अपने संवाददाता सागर थापा का। सागर, बड़ा हादसा हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, अभी कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों को निकाला जा चुका है, क्या कुछ नई तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में हूं। यहां पर इमरजेंसी वार्ड है और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर लगातार मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो देखभाल कर रहे हैं। और तकरीबन 9 लोगों को यहाँ पर लाया गया था और 9 लोगों के बाद एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है और यहाँ पर 8 लोग अभी मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और जो तमाम जो लोग हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, वो कार्य कर रही हैं बहुत बेहतर तरीके से। उसके बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन बहुत ही बेहतर तरीके से इलाज किया जा रहा है। किस तरह से देख सकते हैं आप, अभी स्वास्थ्य टीम भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और सबका हालचाल लिया जा रहा है, जायज़ा लिया जा रहा है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर मरीजों को देखा जा रहा है। और देख सकती हैं मयूरी कि आप यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं और इमरजेंसी में वहाँ पे रखा गया है सबको और बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो घटना स्थल है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और रेस्क्यू किया जा रहा है लगातार। वहाँ पे आला अधिकारी रोशन जैकब भी मौजूद हैं, DM भी मौजूद हैं, तमाम जो बड़े ज़िले के ज़िम्मेदार लोग होते हैं वहाँ पर मौजूद हैं और हम भी फ़िलहाल काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतर सुविधा दी जा रही है मरीजों को जो यहाँ पर आए हुए हैं। सागर, आप सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहाँ पर घायलों को भर्ती करवाया गया है, तो अभी उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि स्थिति अभी फिलहाल सबकी सामान्य बनी हुई है, कोई भी ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई या फिर ऐसी कोई बड़ी हानि नहीं हुई है, स्थिति सामान्य बनी हुई है। और यहाँ पर जो ब्रजेश पाठक के तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर मौके का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों का हालचाल ले रहे हैं, जायज़ा लिया जा रहा है सबका कि किस तरह से उनका इलाज चल रहा है और किस तरह से उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पर बड़े जो शासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। एक बार दिखाना चाहेंगे हम एमरजेंसी वार्ड का वो नज़ारा, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लोग एडमिट हैं और लोगों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। जी देख सकते हैं आप, ये एमरजेंसी वार्ड का ये नज़ारा है और यहाँ पर जो बड़े शासन के आला अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। सागर, बड़े आला अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जायजा लेने पहुंचे हैं, वहीं CM ने भी इस मामले का संज्ञान लिया, मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी अभी देख सकते हैं अमनीश जी आ रहे हैं यहाँ पर, अमनीश अवस्थी हैं मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार और यहाँ से निकले हैं इमरजेंसी वार्ड से, अब ये दूसरे वार्ड में जा रहे हैं मरीजों को किस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि अमनीश अवस्थी पहुँचे, बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री के सलाहकार माने जाते हैं और एक शासन में। जी देख सकते हैं फिलहाल अभी आपातकालीन जो चिकित्सा का जो दरवाज़ा है वो बंद कर लिया गया है, केवल डॉक्टर्स और जो शासन के आला अधिकारी वही पहुँचे। जी मयूरी।
सागर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जायजा लेने, वहीं इस मामले का सीएम ने भी संज्ञान लिया है, मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? जी, दिशा निर्देश की बात करूं तो सीएम योगी ने भी पूरी घटना का संज्ञान लिया है और जो घायल लोग आ रहे हैं उनको इलाज बेहतर तरीके से मुहैया करवाया जाए। और साथ साथ आप देख सकते हैं अवनीश अवस्थी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ब्रजेश पाठक भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं और मुझे कयास ये लगाया जा रही है कि शायद सीएम योगी भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल उन्होंने संज्ञान लिया है और राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है क्योंकि वो लखनऊ के सांसद हैं। बनाए रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बता दें सिविल अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है, वहीं युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। लगातार अस्पतालों में आला अधिकारी और डिप्टी सीएम पहुंचे थे जिन्होंने जायजा लिया है, मरीजों घायलों का हालचाल जाना है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार प्राइम टीवी आपको हादसे की पल पल अपडेट दे रहा है, लगातार हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।